Hello friends, welcome to my channel It's Baby Life. Today I am going to discuss some daily use sentences with most of the user request. So let's have a look at them. First one is Uske liye haldi wala doodh le aao. Get turmeric laced milk for him. Get turmeric laced milk for him. Laced yahan pe matlab hai added. Ye sab karna zaruri tha kya? Was it necessary to do all this? Was it necessary to do all this? नेक्स्ट इज उसने मुझे गुमराह करने की पूरी कोशिश की. ही ट्राइड फुल्ली टू मिसलीड मी. ही ट्राइड फुल्ली टू मिसलीड मी. मिसलीड मीन्स गुमराह करना. नेक्स्ट इज तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? कांट यू वॉच योर स्टेप वाइल वॉकिंग. कांट यू वॉच योर स्टेप वाइल वॉकिंग. नेक्स्ट इज मैं सुबह 5 बजे से जगी हूँ. I have been awake since 4 AM. I have been awake since 4 AM. क्या मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी? Did I ask you for any clarification? Did I ask you for any clarification? Clarification means सफाई. Next is उनके बहुत एहसान है मुझ पर. I owe him a lot of favors. I owe him a lot of favors. Favor means एहसान. तुम्हारा हो जाए तो बता देना. मीन्स तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना. इन्फॉर्म मी वंस यू आर डन. इन्फॉर्म मी वंस यू आर डन. नेक्स्ट इज ये बस उसकी जिद है. इसको बोल सकते हैं दिस इज हिज स्टबर्नेस ओनली. दिस इज हिज स्टबर्नेस ओनली. ये गिफ्ट पैक करवा दीजिए. प्लीज गेट दिस गिफ्ट पैक्ड. प्लीज गेट दिस गिफ्ट पैक्ड. किसी और के थ्रू पैक करवाना चाहते हैं. गेट दिस गिफ्ट पैक्ड. मुझे यही वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया. आई लाइक्ड ओनली दिस वन द मोस्ट. आई लाइक्ड ओनली दिस वन द मोस्ट. नेक्स्ट इज उसके बच्चे शरारती हैं. हर किड्स आर मिस्चिवस. हर किड्स आर मिस्चिवस. नेक्स्ट इज तुम हमेशा इतना भाव क्यों खाते हो? वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी ऑलवेज. वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी ऑलवेज. नेक्स्ट इज तुम उसे खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? वाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम योर सेल्फ. वाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम योर सेल्फ. गो एंड आस्क मीन्स जाकर पूछ लो. 10वीं के प्रैक्टिकल सोमवार से हैं. 10th प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर फ्रॉम मंडे. 10th प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर फ्रॉम मंडे. तुम मेरे सामने उसका नाम मत लो. You don't take his or her name in front of me. You don't take his or her name in front of me. लड़की है तो हर. आप आज खाने में क्या बनाओगी? What will you make in the meal today? What will you make in the meal today? वो हमेशा ऑटो से आता है. He always comes by auto. He always comes by auto. Next is, मैं घर पर बोर हो रही हूँ. I'm getting bored at home. I'm getting bored at home. Next is, चलो 2 मिनट यहाँ बैठते हैं. Let's sit here for 2 minutes. Let's sit here for 2 minutes. Next is, बच्चों को आप बोल सकते हैं बुक को सीधे पकड़ो. तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं hold the book correct way या फिर hold the book right side up. होल्ड द बुक राइट साइड अप या फिर होल्ड द बुक करेक्ट वे. फिर उन्हें बताएं कि इस तरीके से पकड़ते हैं. ये है इसको पकड़ने का सही तरीका. दिस इज़ द करेक्ट वे टू होल्ड इट. दिस इज़ द करेक्ट वे टू होल्ड इट या फिर होल्ड इट द करेक्ट वे. उसे करके बताएं कि ऐसे होल्ड करो. हम बुक को सही से कैसे पकड़ते हैं? हाउ डू वी होल्ड द बुक करेक्टली. हाउ डू वी होल्ड द बुक करेक्टली. होल्ड मीन्स पकड़ना. मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि कपड़े धूप में उल्टा डालने के लिए. आई ऑलवेज टेल यू टू पुट क्लोथ्स इन साइड आउट इन द सन. आई ऑलवेज टेल यू टू पुट क्लोथ्स इन साइड आउट इन द सन. इन साइड आउट मीन्स उल्टा करके सुखाना. उसे बोलो अपना ट्राउज़र की पैंचे मोड़ ले. मीन्स ट्राउज़र के जो लेग्स होती हैं उनको. टेल हिम टू रोल अप हिज ट्राउजर्स लेग्स. टेल हिम टू रोल अप हिज ट्राउजर्स लेग्स. जैसे स्लीव्स शर्ट के लिए होता है वैसे. बच्चे के सॉक्स थोड़ा ऊपर कर दो. पुल अप द बेबी सॉक्स अ लिटिल. पुल अप द बेबी सॉक्स अ लिटिल.
वो बार बार उतरते रहते हैं, मतलब नीचे हो जाते हैं. इट कीप्स फॉलिंग डाउन ऑन एंड ऑन, इट कीप्स फॉलिंग डाउन ऑन एंड ऑन. नेक्स्ट इज, इसका रबर ढीला हो गया, आई मीन सॉक्स का. इट्स इलास्टिक हैज़ बिकम लूज, इट्स इलास्टिक हैज़ बिकम लूज. इसको बोलते हैं सैगिंग सॉक्स. मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम करो. गेस्ट आर अबाउट टू कम, वर्क क्विकली. गेस्ट आर अबाउट टू कम, वर्क क्विकली और वर्क फास्ट. नेक्स्ट इज, घर इतना बिखरा हुआ क्यों है. वाई इज़ होम सो मेस्ड अप, या फिर वाई इज़ होम सो स्कैटर्ड, या फिर मैसी. नेक्स्ट इज, अंत में जीत सच की ही होती है. ओनली ट्रुथ विंस और ट्रियम्फ्स इन द एंड. ट्रियम्फ मीन्स और विन, दोनों का मतलब होता है जीतना. जल्दी शादी कर लो, गेट मैरिड सून, गेट मैरिड सून. नेक्स्ट इज, आजकल हर चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया है. नावडेज एवरीथिंग्स प्राइस हैज़ इंक्रीज अलॉट, नावडेज एवरीथिंग्स प्राइस हैज़ इंक्रीज अलॉट. नेक्स्ट इज, काला अक्षर भैंस बराबर, ये कहावत है, इसको बोलते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. हम हर साल वेकेशन में गांव जाते हैं. वी गो टू विलेज ड्यूरिंग वेकेशन एवरी ईयर, वी गो टू विलेज ड्यूरिंग वेकेशन एवरी ईयर. वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे या सुंदर हैं. व्यूज़ और विस्तास ऑफ दैट प्लेस आर ग्रेट, ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग. व्यूज़ का मतलब नज़ारे, विस्तास का मतलब ही नज़ारे, विस्ता नज़ारा. मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक ल्यूक वॉर्म वाटर, आई ड्रिंक ल्यूक वॉर्म वाटर. एग्ज़ाम कब है, वेन इज़ योर एग्ज़ाम, वेन इज़ योर एग्ज़ाम. नेक्स्ट इज, कल लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं. टमोरो अ सूटर्स फैमिली इज़ कमिंग टू सी माई डॉटर, टमोरो अ सूटर्स फैमिली इज़ कमिंग टू सी माई डॉटर. सूटर होता है जो लड़का आता है देखने लिए, शादी देखने, उसको सूटर, सूटर्स फैमिली होती है लड़के वाले, और सूटर्स लड़की वाले. ओके, आप घर आने वाले थी, फिर आई क्यों नहीं. यू वर अबाउट टू कम होम, देन वाई डिडंट यू कम. यू वर अबाउट टू कम होम, देन वाई डिडंट यू कम. नेक्स्ट इज, अबाउट टू मीन्स होने वाला, ऐसे कुछ टाइप में बोलते हैं इसको. उसने उसके जूते के फीते खुले हैं, बांध होने. हिज शू लेसेस आर अनडन, टाई देम. हिज शू लेसेस आर अनडन, टाई देम. क्या तुम अपनी मम्मी की कसम खा सकते हो. कैन यू स्वेयर बाय योर मॉम, कैन यू स्वेयर बाय योर मॉम. नेक्स्ट इज, हिम्मत बटोरना, इसको आप बोल सकते हैं स्क्रू अप द करेज, स्क्रू अप द करेज. दूध उबल रहा है, मिल्क इज बॉयलिंग, मिल्क इज बॉयलिंग. उबल कर बाहर आना, मतलब जब बाहर आ जाता कंटेनर से, तब बोल सकते हैं बॉयल ओवर, मीन्स मिल्क हैज़ बॉयल्ड ओवर, उबल गया है, बाहर आ गया है. तुम्हारी शादी कब है, वेन इज़ योर वेडिंग, वेन इज़ योर वेडिंग. आप हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज लाई, यू ऑलवेज लाई. क्या तुम्हें कंबल चाहिए, डू यू वॉन्ट ब्लैंकेट. अगर हाँ बोलना हो तो येस आई वॉन्ट, अगर नहीं बोलना तो नो आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए. मुझ पर कंबल ढक दो, कवर ब्लैंकेट ऑन मी, कवर ब्लैंकेट ऑन मी. डॉक्टर के मुताबिक उसकी डिलीवरी की तारीख चली गई है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर ड्यू डेट हैज़ पास्ड, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हर ड्यू डेट हैज़ पास्ड. लेकिन अभी तक बच्चा आया नहीं है, मतलब मीन्स पैदा नहीं हुआ. बट द बेबी हैज़न्ट बॉर्न येट, बट द बेबी हैज़न्ट बॉर्न येट. नेक्स्ट इज, जाओ मेरे जूते लेकर आओ, या फिर जाओ मेरा फ़ोन लेकर आओ. बच्चों को या अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन देना हो तो बोल सकते हैं गो गेट माई शूज़, या फिर गो गेट माई फ़ोन. ऑब्जेक्ट्स चेंज कीजिए, सेंटेंस चेंज हो जाएगा. पूरी बॉडी पर साबुन लगाओ, सोप योर सेल्फ ऑल ओवर, सोप योर सेल्फ ऑल ओवर. अब राहुल बच्चन ने एक पूछा था स्क्रू अप को कैसे यूज़ करना है. स्क्रू अप का मतलब होता है गड़बड़ करना, या चीज़ कोई ख़राब करना, या गलती करना. इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग बाय डूइंग समथिंग स्टूपिड, मतलब कुछ स्टूपिड सी चीज़ करके कुछ काम ख़राब कर देना, या फिर कोई गलती करना, टू मेक अ मिस्टेक. तो इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं.
मैंने क्लर्क एग्ज़ाम पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया, मतलब कोई छोटी सी मिस्टेक जैसे हमने पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर दिया। आई टोटली स्क्रूड अप द क्लर्क एग्ज़ाम, आई टोटली स्क्रूड अप द क्लर्क एग्ज़ाम। इस बार कुछ गड़बड़ मत कर देना, जस्ट डोंट स्क्रू अप दिस टाइम, जस्ट डोंट स्क्रू अप दिस टाइम, ओके? यू विल स्क्रू अप, बाय। जब से उसका पति मरा वह नाखुश और चिंतित है। She has been screwed up since her husband died. She has been screwed up since her husband died. Means unhappy or worried है due to bad experience. मतलब उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए नाखुश है।